So students, now we are moving to the next topic of this chapter, that is RNA world. ठीक है, RNA world के बारे में आज हम लोग discuss करेंगे, right? So previously we have learned, ठीक है, कौन सा better genetic material है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा stable है. ठीक, तो हमने पढ़ा था कि भाई DNA और RNA के बीच में कुछ differences भी हमने देखे थे, है ना. We have seen some differences between DNA and RNA. फिर हमने क्या देखा था कि भाई कौन सा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि भाई जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, है ना. कि हमने तीन जो एनसीईआरटी में चार क्राइटेरियाज जो मेंशन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चरली केमिकली, कौन सा किसके अंदर म्यूटेशन फास्टर हो रहा है, किसके अंदर म्यूटेशन स्लो हो रहा है. तो ये हमने समझा था कि भाई कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो हमने ये पूरा उसमें ओवरऑल हमें ये पता चला कि भाई जो डीएनए है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है किसके कंपैरिजन में, आरएनए के. ठीक है, आरएनए के, उसमें आरएनए का रोल जो होगा वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए होगा, राइट. तो हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा, आप यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड. फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चंस बिकम एविडेंट, विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. ठीक है, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए. इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन. ये जो पूरा है यहाँ पर किस में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर किस में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर इट शैल बी डिस्कस इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, जो केमिकल इवोल्यूशन बता रखा है. हालांकि जो केमिकल इवोल्यूशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है. बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स. तो जो केमिकल इवोल्यूशन में जो बताया हुआ है, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन में जो बताया हुआ है कि भाई कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है ना, आरएनए कैसे प्रूव हुआ होगा वो, ठीक है. इवोल्यूशन के टाइम पर दो पर्सन थे, ठीक है, इवोल्यूशन के टाइम पर दो पर्सन थे जिनका वर्क था इवोल्यूशन में. हालांकि पर्सन तो बहुत सारे थे जिन्होंने इवोल्यूशन में स्टडीज़ करी, तो उन्होंने उसमें से ही दो पर्सन थे, यूरे एंड मिलर. ठीक है ना, यूरे एंड मिलर क्या क्या करा उन्होंने, यूरे एंड मिलर क्रिएटेड देयर ओन आर्टिफिशियल लैब. ठीक है, यूरे एंड मिलर ने क्या करा, अपने खुद एक आर्टिफिशियल क्या क्या करा, एक चैम्बर को तैयार करा. ठीक है, उस चैम्बर के अंदर क्या लिया उन्होंने, कुछ केमिकल्स उसके अंदर यूज़ करे. ठीक है ना, कुछ केमिकल्स उसके अंदर यूज़ करे. कौन कौन से केमिकल्स थे उसमें, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन था. ठीक, और जो वहाँ उसके अंदर जो उन्होंने अपना जो जो चैम्बर बनाया, ठीक है, जो चैम्बर बनाया उसके अंदर वाटर को लिया. वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर भी उस समय क्या था, इवोल्यूशन के टाइम पर काफ़ी हाई रहता था. ठीक है, और फिर क्या हुआ कि भाई 15 डेज, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उस चैम्बर में सेटअप कर दिया. तो उस समय लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, थंडर स्टॉर्म होते थे, थंडर स्टॉर्म होते थे तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता था, है ना. तो उन्होंने क्या करा, उस सेटअप को रखा 15-20 डेज. ठीक है, 15-20 डेज बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करा. ठीक है, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि भाई क्या क्या चीज़ उसमें फॉर्म हो रही हैं, रिएक्शन हुई केमिकल्स के बीच में. ठीक है, रिएक्शंस हुई केमिकल्स के बीच में, तो क्या क्या देखा उन्होंने कि भाई अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर, और केमिकल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. इसके अलावा आरएनए का फॉर्मेशन भी वहाँ पर देखने को मिला. तो वहाँ से हमें एविडेंस मिला कि भाई अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, आरएनए क्या है, वो पहला जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू बताया, डिटेल में नहीं बताया. सिर्फ मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ. पहले आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. देयर इज नाउ एनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए. तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास एनफ एविडेंस है जो सजेस्ट कर रहे हैं एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलती है. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो यहाँ पर भी आरएनए से प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट.
स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब आरएनए, जो डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है ना, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आरएनए के क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब उसको पीसेस जो उसके होंगे उसको पीस को कट कर दिया, उसमें से कुछ नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस को रिमूव कर दिया गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्प्लाइसिंग कहते हैं, राइट। फिर उसके अलावा वो किसके इवॉल्व, इट इवॉल्व अराउंड आरएनए, वो आरएनए के अराउंड इवॉल्व कर रहे हैं। आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी है और क्या है वो, कैटलिस्ट भी है, ठीक, कैटलिस्ट भी है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम्स दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट। तो बहुत सारी है जो है हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, लिविंग सिस्टम के बहुत सारी बायोकेमिकल, इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पर आरएनए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स, ठीक है, और प्रोटीन एंजाइम वहाँ पर इवॉल्व नहीं होंगे। बट आर एन ए बींग ए कैटलिस्ट वॉज रिएक्टिव। अगर आर एन ए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है तो ज़्यादा रिएक्टिव है एंड हैंस अनस्टेबल। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। डी एन ए क्या है, वो अनरिएक्टिव है। डी एन ए इज अनरिएक्टिव इन कंपेरिजन टू आर एन ए एंड हैंस मोर स्टेबल। आर एन ए क्या है, वो कैटलिस्ट है, ठीक है। आर एन ए बींग ए कैटलिस्ट वॉज वेरी रिएक्टिव एंड हैंस अनस्टेबल। देयर फोर डी एन ए हैड इवॉल्व फ्रॉम आर एन ए, ठीक है। तो डीएनए किससे इवॉल्व हुआ, डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए दैट मेक इट मोर स्टेबल, ठीक है, जो क्या बना दिया उसको, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डीएनए में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हम देखते हैं, एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है, और क्या है यहाँ पर, डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड और क्या है यहाँ पर, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें देखने को मिलेगा। फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है और क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो कर रहा है। फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, ठीक है। तो ये हमने समझा यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड के बारे में, कि भी जो एनसीईआरटी में है उन्होंने आरएनए वर्ल्ड के बारे में क्या बता रखा है, ठीक है, आरएनए वर्ल्ड के बारे में ये हमने समझा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्लिकेशन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो क्या है, रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि भाई डीएनए से डीएनए कॉपीज तैयार हो गई, ठीक है, डीएनए से डीएनए कॉपीज तैयार हो गई तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन कहते हैं। व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक हैड इमीजिएटली प्रपोज्ड ए स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज, उनका एक स्टेटमेंट है, इट हैज नाउ एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पॉस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ये स्टेटमेंट दिया किसने दिया, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने इस स्टेटमेंट को दिया। अब क्या बता रखा है यहाँ पर, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, ठीक है, वो किसकी तरह वर्क करेगा, वो टेम्पलेट की तरह, एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ठीक है, वो किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं वो, टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब साँचा, एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लीकेशन। जब रेप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ईच डीएनए मॉलिक्यूल, हर एक डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, वो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए में क्या होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हमें देखने को मिलेगा, ठीक। दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस स्कीम को क्या कहते हैं हम लोग, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। फिर आप देखोगे यहाँ पर जो ये इन्होंने मॉडल जो दिखाया, इंपॉर्टेंट डायग्राम है सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है यहाँ पर देखो आप, ये एक ये, ठीक है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखोगे
कि भाई ये दो स्ट्रैंड्स हैं, देखो अब देखोगे जी सी, ठीक है, जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना, जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर बेस पेयरिंग का जो रूल है वो फॉलो कर रहे हैं, ए टी, ठीक है, ए के साथ टी आ गया, जी के साथ सी आ गया, टी के साथ ए आ गया, जी के साथ सी आ गया। तो अब देखोगे ये जो इन्होंने दिखाया अलग कलर से दिखाया हुआ है। अब दोनों स्ट्रैंड क्या होगा ये, ठीक है, बोथ दीज स्ट्रैंड सेपरेट, ठीक है, बोथ दीज स्ट्रैंड क्या होगा ये सेपरेट हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए ये वाले। अब देखोगे ये वाला है यहाँ पर, एक स्ट्रैंड को हमने मान लो ये स्ट्रैंड है, ये अलग हो गया, ठीक है, इसका सिक्वेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सिक्वेंस है यहाँ पर, जैसे ये रेड जो दिखा रखा है रेड से, ठीक है, इसका सिक्वेंस दिखा रखा है यहाँ पर, जी टी सी ए, ठीक है, जी टी ए सी, समझ में आई बात, तो देखोगे आप लोग, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक ये स्ट्रैंड हो गया और एक ये स्ट्रैंड हो गया, तो ये किसकी तरह ये एक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह ये एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसने, फिर इसके बाद क्या होगा, ये टेम्पलेट होगा, तो फिर ये कॉम्प जो होगा ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, देखिए आप देख रहे हो ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सी के साथ जी आ गया, ए के साथ टी आ गया, टी के साथ ए आ गया, सी जी के साथ सी आ गया, ए टी जी सी, ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि बेस पेयरिंग का जो रूल है वो फॉलो कर रहा है, एक हिस्सा क्या है 5 प्राइम है, ठीक है, दूसरा क्या है 3 प्राइम है, और एक 3 प्राइम है और एक 5 प्राइम है, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड है यहाँ पर, ठीक है ना, और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन अब जो है इसको प्रूव करना है कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, जो यहाँ पर बता रखा है कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब वो सेमी कंजर्वेटिव कैसे प्रूव हुआ, ठीक है, ये इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ये भी इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो हमें देखना है कि भाई किस तरीके से जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होगा एक्सपेरिमेंटली, है ना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई आरएनए वर्ल्ड के बारे में हमने समझा, ठीक है, जो आरएनए वर्ल्ड है उसके बारे में समझा, भाई जो आरएनए है पहला जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से पता चला, ठीक है, तो ये हमने पूरा यहाँ पर देखा कि भाई लेकिन जो है वो इवोल्यूशन में और डिटेल से बता रखा है, ठीक है, इवोल्यूशन में डिटेल में बता रखा है, ठीक है, तो इवोल्यूशन में ही हम लोग हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक, तो आरएनए क्या है, पहला जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन देर इज नाउ एनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, वो किसके वॉल अराउंड कर रहे हैं, वो आरएनए के अराउंड इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, आरएनए के अराउंड वो इवॉल्व हो रहे हैं। आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, आरएनए मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, जो आरएनए क्या है वो एक्ट हो रहा है जेनेटिक मटेरियल की तरह और कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट आपको पता है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, कैटलिस्ट क्या करेगा, वो रिएक्शन के रेट को एनहेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आरएनए कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। देर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम्स दैट आर कैटलाइज्ड बाई आरएनए कैटलिस्ट, बहुत सारी हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग सिस्टम में, जहाँ पर आरएनए क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, और एंड नॉट बाय द प्रोटीन्स, वहाँ पर कोई प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है। आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वॉज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो रिएक्टिव भी है, हैंस क्या है वो अनस्टेबल है। डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, जो डीएनए है वो किससे इवॉल्व हुआ, ठीक है, डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक्स इट मोर स्टेबल, तो वो क्या हुआ वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रजिस्ट चेंजेस बाई इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, ठीक। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या देखा, रेप्लिकेशन के बारे में यहाँ पर जो बता रखा है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया है,
मिसेलसन एंड स्टे हॉल के एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। तो डीएनए जो है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर बता रखा है सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। और ये किस में जो है हमें पढ़ना है, ये बैक्टीरिया में पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो दो है, एक तो प्रोकैरियोट्स में बता रखा है और एक यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हम जहाँ भी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, जब कोई सा प्रोसेस हो, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा यहाँ पर कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, ठीक है ना। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव कैसे वो हमें समझना होगा, राइट।